अक्टूबर 1971 बांग्लादेश युद्ध शुरू होने से लगभग दो महीने पहले दिल्ली के रायसीना हिल में स्थित साउथ ब्लॉक में एक अहम मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में तीन लोग मौजूद थे, पहले उस वक्त के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम, दूसरे इंडियन नेवी चीफ एसएम नंदा और तीसरे व्यक्ति थे रॉ प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ। इस मीटिंग का अहम मुद्दा था कराची पोर्ट। असल में भारत को कराची एयरपोर्ट पर नेवी सर्विलांस के लिए कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए जाने की खबर मिली थी, जिस पर नेवी चीफ एसएम नंदा ने आरएन काओ से इस मुद्दे की तह तक जाने की गुजारिश की। काओ जानते थे कि इस नए सर्विलांस इक्विपमेंट के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें फोटोज और ड्राइंग्स की जरूरत होगी, जिसके लिए उन्हें किसी सिपाही की नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट जासूस की जरूरत थी। आरएन काओ ने इस बारे में अपने डिप्टी शंकरन नायर से बात की और दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आगे चलकर बांग्लादेश वॉर में भारत की जीत का कारण बनने वाला था। रॉ की यह योजना भारतीय नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की वजह बनी। क्या था ऑपरेशन ट्राइडेंट और कैसे इस ऑपरेशन ने 1971 की जंग में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये किस्सा बयां किया गया है अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत की किताब द वॉर दैट मेड रॉ में। आरएन काओ के साथ प्लान बनाने के बाद शंकरन नायर ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उनके काम आ सके। शंकरन नायर की ये तलाश बॉम्बे में जाकर खत्म हुई। बॉम्बे में एक एजेंट ने उन्हें एक पारसी डॉक्टर के बारे में बताया जिसका नाम था कोवासजी डॉक्टर। असल में ये डॉक्टर कुवैत के रास्ते एक शिप के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच आता जाता रहता था और उस पर महंगी चीजों की तस्करी को लेकर कस्टम डिपार्टमेंट का एक केस भी चल रहा था, जिसमें उस पर इतना जुर्माना लगता कि वो कंगाल हो जाता। शंकरन नायर के हाथ उसकी कमजोरी लग चुकी थी। नायर ने कस्टम डिपार्टमेंट के चीफ को फोन किया जो उनका दोस्त भी था और उसे डॉक्टर का केस सेटल करने के लिए कहा, जिसके जुर्माने की राशि रॉ के सीक्रेट फंड से भरने की बात हुई और इस तरह उस पारसी डॉक्टर को क्लीन चिट दिलवाई गई। नायर क्लीन चिट का लिफाफा लेकर साउथ बॉम्बे स्थित डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे और उसके टेबल पर लिफाफा रख कहा कि अगर वो उनका काम करेगा तो उसे क्लीन चिट मिल जाएगी और अगर नहीं तो उसके खिलाफ कस्टम की इंक्वायरी फिर से खोल दी जाएगी। डॉक्टर के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। जब उस डॉक्टर ने पूछा कि उन्हें काम क्या करना है, तब नायर ने उससे कहा कि उसे अगले दो दिन में दो लोगों को अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाना है। जब डॉक्टर ने इसकी वजह पूछी तो नायर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वजह छोड़िए, बस उन दोनों का नाम याद रखिए, रॉड और मैरियाटी। असल में इन दोनों का नाम राव और मूर्ति था और ये दोनों ही रॉ के एजेंट्स थे। राव नायर के नेवल असिस्टेंट थे और मूर्ति रॉ के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट थे। काओ जानते थे कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध होकर ही रहेगा और ऐसे में उन्हें ये पता होना जरूरी था कि अमेरिका पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान की शिप स्ट्रेंथ क्या है, जिसके लिए कराची पोर्ट एक अहम जगह थी। जैसा कि तय हुआ था, वो पारसी डॉक्टर राव और मूर्ति को साथ लेकर कुवैत के जरिए पाकिस्तान के लिए निकल गया और पाकिस्तान इंटेलिजेंस से बचते बचाते ये दोनों लोग कराची एयरपोर्ट तक पहुंच गए और वहां शिप में ही छिपे रहे। तय किए अनुसार आधी रात को शिप को एक स्पॉट पर ले जाया गया जहां से पूरा पोर्ट दिखाई देता था। इन दोनों ने शिप के पोर्ट हॉल से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और अचानक से इनकी नज़र उस सर्विलांस डिवाइस पर भी पड़ी, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। पोर्ट पर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी लगी थी, जिससे ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोनों ने कराची पोर्ट पर खड़े नेवी शिप से लेकर पोर्ट पर लगी आर्टिलरी तक पोर्ट के चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली। अगले दिन शिप वापस अरेबियन सी में था और कुवैत पहुंचते ही नेगेटिव्स को दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में इन नेगेटिव से फोटोज डेवलप की गईं और कुछ ही घंटों में ये फोटोज बाबू जगजीवन राम के टेबल पर थी। ऐसा पहली बार था जब भारत ने कराची पोर्ट की तस्वीरें देखी हों।
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया था। इस घटना का जिक्र एक मीडिया रिपोर्ट में भी मिलता है। कुछ दिन बाद वायुसेना चीफ एसएम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी से नौसेना की तैयारियों पर बात की और फिर प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर नौसेना कराची पोर्ट पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति है। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर। इंदिरा गांधी की तरफ से कराची एयरपोर्ट पर हमले की मंजूरी मिल गई थी। 3 दिसंबर 1971 को जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा की, तब भारतीय नेवी कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त करने का अपना प्लान बना चुकी थी, जिसके लिए 2 दिसंबर को ही नौसेना का वेस्टर्न फ्लीट कराची पोर्ट के लिए कूच कर चुका था। ये बेड़ा कराची पोर्ट तक सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए दुश्मन का ध्यान भटकाना जरूरी था, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने कराची पर बम बरसाने शुरू कर दिए, ताकि पाकिस्तानी सेना और नेवी का ध्यान समंदर की तरफ से हट जाए। इस वेस्टर्न फ्लीट में 3 ओसा आए मिसाइल बोट्स भी शामिल थी, जो सोवियत यूनियन से 1971 में ही खरीदी गई थी। इन बोट्स का नाम था निपट, निर्घट और वीर, लेकिन ये बोट्स लंबी दूरी तक सफर करने के लिए नहीं बनी थी, जिसके चलते इन्हें इंडियन नेवी शिप्स के साथ खींचकर कराची ले जाया गया। प्लान था कि 4 दिसंबर तक इन बोट्स को कराची पोर्ट के 250 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जाएगा, वहां से आगे ये खुद सफर करेंगी। कराची एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए ओसा बोट के रडार ने एक पाकिस्तानी शिप का सिग्नल पकड़ा और भारतीय कैप्टन ने उस पर मिसाइल दाग दी और पलक झपकते ही ये शिप तबाह हो गया। पाकिस्तान के लिए ये काफी बड़ा झटका था, क्योंकि तबाह हुआ शिप पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला जहाज PNS खैबर था। जब यह शिप डूबा तब वक्त रात के 11:20 हुए थे। दूसरी मिसाइल बोट ने भी सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एक कार्गो शिप को डुबो दिया और एक डिस्ट्रॉयर को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का ये कार्गो शिप ईस्ट पाकिस्तान में सेना के लिए हथियारों की खेप लेकर जा रहा था। इनमें से तीसरी बोट ने कराची पोर्ट पर प्लैंड हमला किया, जो राव और मूर्ति द्वारा प्रोवाइड करवाई गई जानकारी के आधार पर ही प्लान किया गया था, जिसके तहत कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया और जब तक ऑपरेशन ट्राइडेंट पूरा हुआ तब तक 5 दिसंबर की सुबह हो चुकी थी। पाकिस्तानी पोर्ट पर हुए इस हमले और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी के नष्ट हो जाने और हथियारों की सप्लाई रुक जाने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी को ना चाहते हुए भी ईस्ट पाकिस्तान और भारतीय सीमा पर अपने अटैक को रोकना पड़ा। इसके बाद भारतीय सेना ने 8 दिसंबर की रात को ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना तक पहुंचने वाली सप्लाई को रोक दिया गया और इस तरह भारतीय नेवी ने वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। 1971 की जंग में भारत की जीत का सबसे बड़ा श्रेय भारतीय नेवी द्वारा अंजाम दिए गए इन दोनों ऑपरेशंस को ही जाता है, जिनको रचने में अहम भूमिका निभाई थी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।